हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम बात करने वाले हैं कि न्यूक्लियॉन क्या होता है। न्यूक्लियॉन की अगर डेफिनेशन देनी हो तो आप किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हो कि न्यूक्लियॉन क्या होता है। उससे पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, चाहे वो वीडियोज़ हों, चाहे PDF के अंदर जो आपके नोट्स हैं, या फिर NCERT सॉल्यूशंस हैं, मॉडल पेपर हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, MCQ टेस्ट हैं, सब कुछ फ्री के अंदर चाहिए हो, तो अभी प्ले स्टोर से शिवम क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं कि न्यूक्लियॉन क्या होता है। देखिए, कोई भी जो परमाणु होता है, कोई भी जो एटम होता है, उसके अंदर सेंटर के अंदर एक होता है न्यूक्लियस, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, नाभिक। और ये उसके चारों तरफ का स्ट्रक्चर हो गया। ये क्या है, ये है एक प्रकार का एटम हमने बनाया है। इसके चारों तरफ होती हैं कक्षाएं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से चक्कर लगाता रहता है। अब ये जो इसका सेंटर वाला जो पोर्शन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, और हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। इसके अंदर दो चीजें होती हैं, क्या क्या होते हैं, एक तो होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। ये तो क्या है, प्रोटॉन, और ये क्या है, न्यूट्रॉन। और इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, वो क्या है, वो है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को तो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, लेकिन इसका जो न्यूक्लियस है, इसका जो नाभिक है, उसके अंदर जो जो चीजें पाई जाती हैं, उसमें क्या क्या शामिल है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए, यानी कि इन दोनों को संयुक्त रूप से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन बोला जाता है। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं कि हमारे बुक के अंदर क्या जो डेफिनेशन है वो दे रखी है। हम सभी को ये स्पष्ट हो चुका है कि परमाणु भी विभाजित हो सकता है। पहले हम क्या मानते थे कि जो एटम होता है, जो एटम होता है, उसको हम विभाजित नहीं कर सकते, यानी कि उसको और नहीं तोड़ सकते। और ये क्या है, एक सूक्ष्मतम कण है। सूक्ष्मतम का मतलब इसको और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। तो हम इसको पहले क्या मानते थे, सूक्ष्मतम कण मानते थे। कब तक, जब तक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, तब तक इसको हम बोलते थे कि भाई कोई भी जो सूक्ष्मतम कण है उसको परमाणु कहते हैं, और परमाणु से ही सब कुछ मिलकर बना होता है। लेकिन जब हमने इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की और इलेक्ट्रॉन की खोज की, तो हमने ये निष्कर्ष निकाला कि प्रोटॉन भी जो है, जो एटम भी जो है, परमाणु जो है, वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। कहने का मतलब इसको और भी ज्यादा विभाजित किया जा सकता है, किसको, परमाणु को, एटम को। तो पहले हम सोचते थे कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन बाद में जब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी, तो हमने देखा कि एटम को भी आगे और विभाजित किया जा सकता है, और आगे तोड़ा जा सकता है। किस किस के अंदर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर। तो देखिए, हम सभी को यह स्पष्ट हो चुका है कि परमाणु भी विभाजित हो सकता है, तथा इसमें तीन प्रकार के उपपरमाणविक कण पाए जाते हैं। उपपरमाणविक मतलब परमाणु को हम मान रहे थे, उसके भी और अधिक टुकड़े किए जा सकते हैं, उन कणों को हम बोल रहे हैं उपपरमाणविक कण। और उनमें क्या क्या शामिल है, उपपरमाणविक कण कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन चीजें हो गई। अगर किसी भी परमाणु को, किसी भी एटम को और ज्यादा तोड़ा जाए, विभाजित किया जाए, तो वो तीन उपकणों के अंदर विभाजित हो जाएंगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। यद्यपि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान मुख्यतः नाभिक में विद्यमान रहता है, जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था, जब रदरफोर्ड वाला एक्सपेरिमेंट देख रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि कोई भी जो परमाणु होता है, कोई भी जो एटम होता है, उसका ऑलमोस्ट पूरा का पूरा जो द्रव्यमान होता है, उसका जो मास होता है, मास या फिर क्या, द्रव्यमान, ऑलमोस्ट उसका पूरा जो मास है, उसका पूरा जो द्रव्यमान है, वो सेंटर के अंदर विद्यमान रहता है। और उसको हमने क्या नाम दिया था, उसको नाम दिया था नाभिक। और नाभिक में क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के कारण होता है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित रहते हैं इसलिए ये न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। न्यूक्लियॉन कहां से मिलकर बना है? न्यूक्लियस से। और न्यूक्लियस किसको बोलते हैं? नाभिक को बोलते हैं। नाभिक के अंदर क्या क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखें, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित रहते हैं इसलिए इनको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन बोला जाता है। किसको? प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वे नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। तो वे कण जो किसी भी परमाणु के नाभिक में या उसके न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन या फिर न्यूक्लियॉन बोला जाता है। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में न्यूक्लियॉन परमाणविक नाभिक के निर्माण में प्रयुक्त कण को कहते हैं। ये बोल रहा है कि भौतिक विज्ञान के अंदर और नाभिक विज्ञान के अंदर जिन चीजों से जो उसका नाभिक बना हुआ है, नाभिक के निर्माण में जो प्रयुक्त कण है कौन कौन से है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो नाभिक के निर्माण के अंदर जो कण प्रयुक्त होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उन्हीं को न्यूक्लियॉन कहा जाता है। उन्हीं कणों को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन कहा जाता है। प्रत्येक नाभिक में एक अथवा एक से अधिक कण हो सकते हैं। नाभिक के अंदर एक या एक से अधिक कण हो सकते हैं। अगर जैसे मान लो किसी भी नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन नहीं है, सिर्फ प्रोटॉन है, तो उसके अंदर एक कण है। और अधिकतर में या ज्यादातर में अधिकांशतः न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पाए जाते हैं, तो एक या एक से अधिक कण पाए जा सकते हैं। प्रत्येक नाभिक के चारों ओर एक अथवा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ये देखिए, इस प्रकार से कक्षाएं होती हैं, क्लास जो है उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं। कौन लगा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। और नाभिक के अंदर कौन कौन है? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ये दोनों जो कण हैं, दोनों जो पार्टिकल्स हैं, इन्हीं को हम क्या बोल लेते हैं? न्यूक्लियॉन बोला जाता है। न्यूक्लियॉन क्यों बोलते हैं? क्योंकि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस का मतलब नाभिक के अंदर पाया जाता है, इसलिए इन दोनों पार्टिकल को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, जो कण नाभिक के अंदर पाए जाते हैं उनको न्यूक्लियॉन बोला जाता है। बस इतनी सी बात याद रखो। और कौन कौन से नाभिक के अंदर पाए जाएंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इस पूर्ण रचना को परमाणु कहा जाता है। परमाणु किसको बोलेंगे? जिसके अंदर एक नाभिक हो, नाभिक के अंदर परमाणु जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित हो और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इस पूरी संरचना को ही परमाणु या फिर एटम कहा जाता है। तो सीधा सा यह है कि भाई न्यूक्लियॉन किसको कहते हैं? वे कण जो किसी भी परमाणु के न्यूक्लियस के अंदर, उसके नाभिक के अंदर पाए जाते हैं उनको न्यूक्लियॉन कहा जाता है। और उसके अंदर क्या क्या शामिल है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये छोटा सा टॉपिक था, इतना ही था। तो अगर आपको फिर भी ये टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर लिख लो, या फिर आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हो, 8696608541। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। आप हमारे को व्हाट्सएप करके और अपने क्लास के नोट्स भी ले सकते हो, या फिर अपनी जो ऐप तो है ही, शिवम क्लासेस नाम से अपनी ऐप है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके अंदर तो आपको ऑटोमेटिक सब कुछ फ्री के अंदर उपलब्ध हो जाएगा। ओके गाइज, इस टॉपिक में इतना ही था। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।